सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के फेलवर ने कर्ज में डुबा दिया था। उन्होंने साल 2013 में हुए एक इंटरव्यू में इस कठिन समय को याद किया और बताया था कि कैसे लेनदार उनके घर पर पहुंचने लगे थे। फिर अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें और अपनी टेलीविजन डेब्यू कौन बनेगा करोड़पति की सफलता के बाद इंडस्ट्री में वापसी की, जिसने आपको बता दें हाल ही में एक लॉन्च के 21 साल पूरे किए हैं। जी हाँ, अमिताभ 1999 में बैंक करप्ट होने के कगार पर थे। उस समय उनके बिजनेस अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उन पर अलग अलग लोगों ने 90 करोड़ से अधिक का कर्ज बताया था। वो कहते हैं कि मैंने दूरदर्शन सहित सभी का भुगतान किया। जब उन्होंने इंटरेस्ट कंपोनेंट मांगा तो मैंने उनके बदले कमर्शियल एड्स किए। मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि कैसे लेनदार हमारे दरवाजे पर खड़े रहते थे, गाली देते थे, धमकी देते थे, मांग करते थे, और इससे भी बदतर जब वो हमारे घर पर कुर्की लेकर आते थे। जी हाँ, अमिताभ ने आगे बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे 44 साल के प्रोफेशनल करियर का सबसे ख़राब पलों में से ये एक था। इसने मुझे बैठने और सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैंने अपने सामने ऑप्शन को देखा और कई दृश्यों को इवैल्यूएट भी किया। जवाब आया कि मुझे एक्टिंग करना आता है। मैं उठा और यश जी के पास गया जो मेरे घर के पीछे रहते थे। मैंने उनसे विनती की कि वो मुझे काम दे दें। इसके बाद उन्होंने मुझे काम दिया, सब कुछ पलट गया। उन्होंने मुझे फिल्म मोहब्बतें दी। जी हाँ, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन अब देश के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक है। जी हाँ, आयुष्मान खुराना के साथ उनकी फिल्म पिछले ही साल गुलाब और सितारों आई थी और उन्होंने अपना डिजिटल डेब्यू किया था। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके पास चेहरे, झुंड, ब्रह्मास्त्र, मिट्टे और गुड बॉय फिल्म शामिल है। इस बीच अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति 13 के साथ छोटे पर्दे पर वापसी भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने 2013 में एक इंटरव्यू में उन पर एक वक्त अलग अलग लोगों का 90 करोड़ से अधिक का बकाया था। इस पर काफ़ी सारी बातें की। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मैंने दूरदर्शन सहित काफ़ी लोगों के पैसे का भुगतान भी किया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरे 44 साल के प्रोफेशनल करियर के सबसे काले पलों में से एक था। उन्होंने मुझे बैठने सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मैं अपने सामने के विकल्पों को देखूँ और अलग अलग परिस्थितियों का मूल्यांकन करूँ। काफ़ी सोचने और विचारों के बाद बार बार एक उत्तर मिलता था कि मुझे एक्टिंग करनी आती है और मुझे आगे इसमें ही बढ़ना है। जी हाँ, उसके बाद आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन आज फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर्स में से एक हैं और उन्होंने अब तक कई सारी फिल्में की हैं। वहीं आपको बता दें कि आज जब घर भर में केबीसी के लेकर फिर से अमिताभ बच्चन रूबरू हो रहे हैं तो आपको बता दें कि ये केबीसी ही है जिसने अमिताभ बच्चन की डूबती जिंदगी को सहारा दिया था। जी हाँ, सन 2000 की बात है कि जब अमिताभ बच्चन पूरी तरह कर्ज में डूबे थे। उन पर 90 करोड़ का कर्ज था। उनकी कंपनी ABCL बंद होने को थी और उनके पास ना खास फिल्में थी और ना ही कोई दूसरा ऐसा काम था जिससे वो कर्ज चुका पाते। उनके घर प्रतीक्षा के बाहर सुबह से लेनदारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे वापस लेने के लिए लोग उन्हें गालियां और धमकियां तक देते थे। अमिताभ बच्चन ही नहीं, पूरे बच्चन परिवार के लिए ये बेहद ही बुरा वक्त था। अमिताभ बच्चन ने कई इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र किया है और अपने उस कर्ज के बारे में बात की है। अमिताभ लगातार अपने विकल्पों की तलाश कर रहे थे उस समय, तभी उन्होंने स्टार प्लस में उनके पास KBC का प्रोजेक्ट लेकर पहुँचा। जी हाँ, अमिताभ को काम की ज़रूरत थी। काम क्या था इस बारे में ज़्यादा सोचने उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने हाँ कर दी और सबकी सोच से इतर इस शो ने रातों रात अमिताभ बच्चन को फिर से एक बार आम जनता और सिनेमा इंडस्ट्री दोनों के सामने एक नए रूप में पेश किया। अमिताभ इसके बाद जहां लोगों को करोड़पति बनने का मौका दे रहे थे, वहीं खुद भी अपने कर्ज और आर्थिक तंगी से बाहर निकल रहे थे। अक्सर उन्हें कहते सुना जाता है कि KBC उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और हमेशा रहेगा। शायद यही वजह रही है कि अमिताभ जब भी KBC को होस्ट करते हैं तो उनमें एक अलग तरह की सहजता दिखाई देती है। आपको बता दें कि जैसे वो पूरे जी जान से इस शो से दर्शकों को जोड़ने के लिए जुट जाते हैं। समय समय पर उन्होंने नए नए रूप धरकर और प्रतिभागियों की फरमाइश पर तरह तरह के एक्ट करके, मनोरंजन करके इस शो को अच्छा बनाया है। वहीं आपको बता दें कि साल 1900
1995 में अपनी खुद की कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड उन्होंने शुरू की थी। इस कंपनी ने 1996 में मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट कराया था जिसमें विजय माल्या को जज बनाया गया था। ये पहला मौका था जब मिस वर्ल्ड जैसा इवेंट सन सिटी के बाहर किसी देश में हुआ था। मिस वर्ल्ड इवेंट से पहले ABCL ने 15 फिल्में बनाई जिनकी लागत 3 से 8 करोड़ रुपए के बीच थी। मिस वर्ल्ड से शुरू हुआ दिवालिया होने का सफर। मिस वर्ल्ड के बाद से ही कंपनी के दिवालिया होने का सफर शुरू हो गया था और इस इवेंट से कोई कमाई नहीं हुई बल्कि बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले चल रहे थे, यहाँ तक कि बैंक ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भी भेजे थे। बिग बी को अपना बंगला प्रतीक्षा तक गिरवी रखना पड़ा था। ABCL का लक्ष्य था कि 1000 करोड़ की कंपनी बनने का, लेकिन इस बैनर की पहली ही फिल्म बुरी तरह पिट गई और बाद में फिल्में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अमिताभ के ऊपर 90 करोड़ का कर्ज हो गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए कैनरा बैंक और दूरदर्शन ने बहुत दबाव दे रखा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी तब उनको अपना बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैट बेचने से मना कर दिया था। हालांकि बच्चन ने तब कोर्ट के सामने दलील दी थी कि उन्होंने अपने बंगले को सहारा इंडिया फाइनेंस के पास गिरवी रखा हुआ है ताकि वो ABCL के लिए फंड जुटा सके। इसके बाद केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल बोर्ड ने ABCL को बीमार कंपनी घोषित कर दिया जिस पर $14 मिलियन का कर्ज था। अमिताभ बच्चन ने जनवरी 2013 में एक इंटरव्यू में कहा था कि तब कर्ज से मुक्ति पाने में यश चोपड़ा और KBC ने बहुत मदद की थी। यश चोपड़ा को अपने दिवालिया होने के बारे में मैंने बताया और कहा कि मुझे काम फिलहाल दे दीजिए। इसके बाद यश जी ने मुझे अपनी फिल्म मोहब्बतें में एक रोल ऑफर किया और फिल्म मैंने साइन की। 2000 स्टार प्लस में अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अमिताभ बच्चन के पास पहुंचा। तब उन्होंने खुद भी यह अंदाज़ा नहीं था यह शो इस कदर पॉपुलर होगा। अमिताभ ने कहा कि मैं KBC के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, यह ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत थी या बूस्टर शॉट की तरह था, फिर चाहे पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल, दोनों ही तरीके से ये मेरे लिए कैटलिस्ट बनकर आया। यकीन मानिए इसने सभी को पैसे चुकाने में मेरी बहुत मदद की, यह एक ऋण है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। जी हाँ, आपको बता दें कि काफ़ी सालों तक अमिताभ बच्चन कर्ज में डूबे रहे। 90 करोड़ का कर्ज बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, इस कर्ज को चुकाने में यश चोपड़ा ने उनकी बहुत मदद की, उन्हें फिल्में दिलाई। जी हाँ, मोहब्बतें फिल्में उन्होंने की जो सुपर हिट रही। इसके बाद वो KBC में नज़र आए और अमिताभ बच्चन ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस शो को करने से उन्हें जहाँ कर्ज को चुकाने में मदद मिलेगी वहीं वो पूरे देश भर में लोगों के दिलों पर छा जाएंगे। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सिर्फ की रिपोर्ट।